The heaven of Rawalpindi, where you can get designer like dresses at a fraction of the cost. Well, Shadi season is here, and if you're low on your budget and really want to look expensive but in your budget, so I'm taking you to a market, you can say my personal favorite market. So aaj you'll be all sorted, kyunki ye wo market hai jahan se maine apni behan ki shaadi par dresses banwaye the, and they were worth it. It's a heaven of, you know, embellishments. Trust me, you're gonna love it. Acha, yahan ki लोकेशन जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में, जो ब्लॉग की डिस्क्रिप्शन है इसके नीचे, उसमें लिंक कर दूंगी, ताकि आपकी किसी भी किस्म की क्यूरी है रिगार्डिंग सिटी, प्लेस, लोकेशन, एनीथिंग, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन डायरेक्टली, राइट? सो लेट्स गो. दिस इज कश्मीर रोड, सदर रावलपिंडी. और ये जो FG स्कूल अभी गुजरा है, यहाँ से मामा ने 34 ईयर्स पहले जो है टीचिंग का कैरियर स्टार्ट किया था. अच्छा, ये इसके बिल्कुल साथ ही सामने यहाँ से कामरान मार्केट स्टार्ट हो रही है. अभी मैं गाड़ी पार्क करके ना आपको उतर के अंदर लेके जाती हूँ, प्रॉपर दिखाती हूँ कि ये अंदर पूरी एक स्ट्रीट है जिसमें ढेर सारे टेलर्स हैं, जरी का काम होता है, हर तरह की आपको सेमी फॉर्मल चाहिए, इवन कैजुअल कपड़े और ब्राइडल वेयर से लेकर हर तरह की कैटेगरी है. अच्छा, काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि अगर घर में शादी है तो वो कौन सी मार्केट जाए और कहाँ से रीजनेबल काम वाले जोड़े मिलेंगे. तो बहुत अरसे से मैं आपको इस मार्केट में लेके आना चाहती थी, आज फाइनली मैंने यहाँ का रुख कर लिया. तो चलिए कामरान मार्केट हम जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या रेट्स है, काम वाले जोड़ों के यहाँ पे क्या रेट्स है, सेमी फॉर्मल, फॉर्मल और इवन ब्राइडल वेयर के हमें क्या रेट्स मिलते हैं. चलिए मेरे साथ आ जाए. यहाँ अंदर जाने से पहले आपको एक बात लाजमी बता दूं, दीज आर ऑल नेगोशिएबल रेट्स. लाइक आपने बार्गेन खुद कराना है. मैं तो आपको वो रेट बताऊंगी जो शॉपकीपर वहाँ पे रेट दे रहा है, राइट? लेकिन यहाँ पे बार्गेन होता है, एंड कीपिंग पाकिस्तानी मार्केट इन माइंड, वो क्या करते हैं कि वो पहले ही आपको बढ़ा हुआ रेट बताते हैं, क्योंकि उनको श्योरिटी होती है कि आपने बार्गेन कराना है, राइट? और जब एक खातून को जोड़ा पसंद आ जाए, उसने अपने बजट पे तो लाना ही होता है दुकानदार को, तो उन्हें पहले से अंदाजा होता है कि ये इन्होंने बहुत खप डालनी है, इसलिए वो पहले ही इतना मार्जिन रख के आपको प्राइस बताते हैं कि जब आप उनसे कमी बेशी कराएं तो एटलीस्ट एक मुनासिब प्रॉफिट निकले, राइट? दैट वाज वन टिप दैट आई हैड टू गिव बिफोर गेटिंग इनटू द मार्केट. इसकी क्या कीमत है? 55,000 का फुल ड्रेस या स्टिच, एवरीथिंग? ये किस तरह है तैयार? ये 65,000 है. नीचे लहंगा 65,000, कोई डिस्काउंट? और ये 45,000 में थ्री पीस रेडी स्टिच्ड. अच्छा, एक और चीज का भी आपने ख्याल रखना है कि जो आपको सैंपल दिखाया जा रहा है, मेक श्योर ऑफ इट कि वो सैंपल जो है एग्जैक्ट बनेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आपको कुछ और दिखाया जाता है और जब बन के आता है तो वो डिफरेंट होता है. इसलिए ये आपने खुद अपने आप को चूना लगवाने से बचाना है, ठीक है? क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, एक आधी शॉप ऐसी होती है बाकी सारी सही होती है, लेकिन चूंकि बाकी सब ये नहीं कर रहे होते तो हम उस ट्रस्ट में सारी शॉप्स पे ट्रस्ट कर लेते हैं. बट बी वेरी केयरफुल, राइट? यहाँ मोस्टली जो कारीगर हैं वो ऑर्डर बेस्ड काम करते हैं, तो मोस्टली जो है वो 1.5 महीने से 3 महीने तक का टाइम लेते हैं. इट डिपेंड्स कि आपका काम किस लेवल का है, बट आई सजेस्ट कि जब आप ऑर्डर प्लेस करें तो बीच में फॉलो अप करते रहें. अच्छा, वैसे जब मैं इस तरह की किसी भी मार्केट में आती हूँ, स्पेशली यहाँ या फिर लिबर्टी में, तो एक चीज़ मैं हमेशा सोचती हूँ कि देखें, ये वही लोग हैं जो ब्रांड को रेप्लिकेट कर रहे हैं. मतलब ब्रांड का डिज़ाइन जब ये रेप्लिकेट कर सकते हैं, उतनी ही नफासत से उसी क्वालिटी का जब ये सेम एग्जैक्ट बना सकते हैं, तो इट मीन्स कि हमारे मुल्क में लेबर की या कारीगरों की कमी नहीं है. लाइक टैलेंट है, बस उनको डायरेक्शन नहीं होती. इट मीन्स के सारे पैसे तो डिजाइनर के हुए, राइट? डिजाइनर की सेंस के, उसके एस्थेटिक्स के, क्योंकि डिजाइनर्स के पास भी तो ऐसे ही कारीगर होते हैं, इनसे थोड़े से एक्सपर्ट लेवल के होंगे, बट इन कारीगरों से काम क्या लेना है, इनसे बनवाना क्या है, क्या डिजाइन होना चाहिए, क्या सेलिंग होगा, ये डिजाइनर का काम है. सो इफ यू आर गुड एट डिजाइन, जस्ट गो गाइड देम, दिल मेक वट एवर यू वॉन्ट. अदरवाइज टेक अ रेफरेंस, आप किसी भी डिजाइनर का कोई भी आउटफिट ले जाएं तो दिल रेप्लीकेटेड. अदरवाइज इनके कुछ अपने आर्टिकल्स और अपने डिजाइन भी होते हैं जो इन्होंने खुद ही डिजाइन किए हुए होते हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन वट यू वॉन्ट. ये जितने भी डिजाइन्स आप देख रहे हैं और इनकी जो कॉस्ट अभी आपके सामने बताई जा रही है, आप इसमें काम हल्का या कम या फिर कपड़े की क्वालिटी चेंज करके ऊपर या नीचे कर सकते हैं. इट्स ऑल अप टू यू. यहाँ जो 30,000 का ड्रेस है, अगर आप उसको थोड़ा सा लाइट करा के उसमें से मोटिव्स कम करके फैब्रिक चेंज करके आई थिंक उसको 15,000 पे भी लेके जा सकते हैं. सो इट्स ऑल अप टू यू.
आप अपना बजट देके जाएं और फिर डिसाइड करें, क्योंकि मैं तो यही करती हूँ। मेरा जो बजट होता है मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ एलिमेंट्स कम करा लेती हूँ, कुछ मोटिव्स कम करा लेती हूँ, एंड इट फिट्स फॉर मी ऑलवेज। अच्छा, और चूंकि आप लोगों की तरफ से ब्राइडल लहंगों की भी काफी रिक्वेस्ट थी, तो यहाँ पे कोई डिस्प्ले में नहीं थे, बट यस, मैंने उनको जब पिक्चर दिखा के उनसे एस्टिमेट लिया, तो हर शॉप का डिफरेंट एस्टिमेट था। इस शॉप पे जो एस्टिमेट मिला वो आप खुद ही देख लीजिए। ये आप दे रहे हैं 225 का यहाँ पे। ये मैं आपको दिखा रही हूँ डिजाइन, मुझे बताएं कि ये कितने में बनाएंगे। ये रॉ सिल्क फैब्रिक चाहिए प्योर, और 90 जो है वो इसका घेरा चाहिए, और जिसके दरमियान में एक बॉर्डर है वो दुपट्टे पे हो। तो क्या आप रेट फाइनल करेंगे? फ्रंट बैक 250, 2 लाख 50, कोई डिस्काउंट नहीं, लेस करें कुछ, 230 पे। ये आपका सबसे सेलिंग आर्टिकल, ये ब्लैक ना, ये कितने में मेकिंग पूरी इसकी, 3 पीस कंप्लीट होता है? 25,000 में 3 पीस, राइट? 45 में कोई पिक्चर है इसकी 4 पीस वाली? आप इसकी मुझे फुल पिक्चर दिखाएं, ये 4 पीस नहीं होगी, 4 पीस की पिक्चर जहाँ से देख के आपने रेप्लिकेट किया उसकी भी पिक्चर। अच्छा, ये आपका अपना डिजाइन है, वेरी नाइस। मैं 1.5 मंथ लगेगा, और कलर अपनी मर्जी का अगर दें। ये आपने ओरिजिनल पे बनाया हुआ है? पाकिस्तान से बाहर से लोग आपको ऑर्डर प्लेस करें तो आप बना के दे देते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ डिलीवर भी कर देते हैं। चलें, ठीक है। अच्छा, यहाँ इस शॉप पे म्यूज का एक बहुत प्यारा आर्टिकल मुझे नजर आया, जो कि असल में 3 लाख रुपए का है, पर यहाँ पे अराउंड 30,000 में मिल रहा है, जो कि इन एक्चुअल 3 लाख का सिर्फ 10% बनता है, विच इज अमेजिंग लिटरली। इवन आजकल ये राइनस्टोन वर्क इतना ट्रेंड में है, और जब से माया ली ने इसका शूट किया, एवरीवन इज क्रेजी अबाउट इट। इवन आयजा ने भी एक ग्रीन ड्रेस इसका पहना था, एंड पीपल गॉट क्रेजी आफ्टर दैट। 22,000 का दुपट्टा है, और ये शर्ट पे भी काम जितना भी कराना हो कर देते हैं? अच्छा, ठीक है। ये छोटा सितारा है, ठीक है, और ये बड़ा है। ये कितने में करते हैं ये वाला काम? कपड़ा मेरा होगा, और फुल फ्रंट कितने का बनेगा? 5 इंच का बॉर्डर और छट्टा, ठीक है, ठीक है। तो क्या प्राइस होगी? 18,000 में फुल शर्ट या 3 पीस सूट? सिर्फ शर्ट बना हुआ है, ये जो लाइलेक पे बना हुआ है, इसकी क्या प्राइस है जी? क्या 10,000 में? ठीक है, ठीक है। और ये कितने का है? फैब्रिक क्या है ये? कपड़ा बहुत प्यारा है। ये सिल्क है? कौन सी सिल्क है? कौन सी? टसल सिल्क। ये कपड़ा बहुत हसीन है। ये अगर आपको पाकिस्तान से बाहर से ऑर्डर प्लेस करें व्हाट्सएप पे, तो बनवा के डिलीवर कर देते हैं, डिस्पैच हो जाते हैं। चलें, ठीक है। कहाँ है आपका नंबर? जिसके साथ व्हाट्सएप का आइकन बना हुआ है, आपका नंबर है, इस पर व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरशद। आपका नाम है क्या? आप अवे, इसकी क्या प्राइस है? न्यूज का डिज़ाइन है, ये दिखाएंगे ज़रा? इसके साथ भी एक और है, वो ये राइनस्टोन है। इसकी क्या प्राइस है म्यूज के इस आर्टिकल की? कंप्लीट सेट, 70,000 में ये, और ये वाला 95,000 में, ठीक है। और कलर हम अपनी मर्जी का दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो राइनस्टोन है इनका कलर भी डिफरेंट हो सकता है हमारी मर्जी का? हाँ, एक ही कलर का हो, गोल्ड हो जाए या सिल्वर हो जाए, हो जाएगा। अच्छा, दुपट्टे पे भी ये वाले मोटिव्स बना देते हैं। ये हारिस शकील का रेप्लिका इन्होंने बनाया, ये 45,000 में 3 पीस पे आ रहा है। ये किसका डिजाइन है? महा का। ये कितने का है? 120 का है, और हाँ ये पीच वाला, ये हाँ
बल्कि यही से बता देंगे इसकी क्या कीमत है। दिखाएं। ठीक है, ये टोटल तैयार कितने में मिलेगा? 40,000 में। ये कितने का? ये तैयार 26 में। जो दुपट्टा है ये कितने का तैयार होगा? ये सामने 35,000 का सिर्फ दुपट्टा। दिखाते हैं जरा। अच्छा, ये इतना एक्सपेंसिव क्यों है? पूरा जा रहा है ना दुपट्टा, पौने तीन और दो तो दुपट्टे लगते हैं। दो दुपट्टे लगाए मैंने। ठीक है। हाँ, ये ग्रीन कलर का और ये एक दूसरे के ऊपर रख के इसको काटते रहते हैं, फिर नीचे से ये काटते रहते हैं। ठीक है। ये तीसरे नंबर वाला स्क्रीन पे क्या रहा है? ये इसकी क्या प्राइस है? ये कितने का? बैक पे क्या है? ये फ्रंट है। ठीक है। ये बैक है। ओके, ठीक है। इसका काम बहुत खूबसूरत है। वेलवेट वाला है, ये कितने का है? जो मेकिंग है ये 23,000 मेकिंग। और पूरा अगर स्टिच चाहिए हो थ्री पीस 35,000 में। सिर्फ फ्रंट है या बैक भी है? ठीक है। इसकी क्या प्राइस है? ये 25 में इसकी मेकिंग है। ये बंदिये कपड़ा जो शर्ट है 7.5 की शर्ट है। 8,000 की शर्ट मेकिंग के साथ? सिर्फ कपड़ा? सिर्फ कपड़ा 8,000 का है। ठीक है। और मेकिंग के साथ आपने क्या चार्जेस बताए? ये अगर आप रेडिट पे बनाते हैं ना तो ये 40,000 में। अच्छा, इसकी अगर ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवर करें आपको मैसेज करके तो आप ले लेते हैं ऑर्डर? इसकी क्या प्राइस है? 19,000 में मेकिंग। ये नंबर व्हाट्सएप का है? ठीक है, ओके। बिन नजीर कलेक्शन, राइट? ये अभी आपने पिक्चर से डिजाइन कॉपी करके बनाया है? अगर आपको ऑर्डर आए कि पाकिस्तान से बाहर चाहिए तो आप डिलीवर करा देते हैं बनवा के? टीसीएस कर देते हैं आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ? ये डिजाइन था जो कि आपने रेप्लिकेट किया है और ये बनाया है। ठीक है जी। ये बात सुनिए, ये जो ऊपर वेलवेट की लगी हुई है चोली, ये दिखाइए। अच्छा, इसकी क्या प्राइस है? ये कितने में बनाते हैं आप? 25,000 में सिर्फ ये या फुल ड्रेस? हाँ, और अगर इसके साथ लहंगा या साड़ी करनी हो? 45,000, राइट? ये जो पीछे मैरून लगा हुआ है इसकी क्या प्राइस है? 30,000 में पूरा कंप्लीट थ्री पीस। ये उतार के दिखाएंगे जरा दोनों। अंकल, इसकी क्या प्राइस है? हाँ, वेलवेट पे सेम रेडी टू वेयर। हाँ, 21,000। अच्छा, ये सिर्फ गाउन इतनी प्राइस का है। इसकी क्या प्राइस है?
18,000 में रेडी टू वेयर। ये ऑरेंज दिखाएंगे सर, इसकी क्या प्राइस है रेडी टू वेयर? 39,000 में रेडी फुल थ्री पीस सूट। अच्छा, यहाँ बीच में ही ना लूज फैब्रिक यानी खुले कपड़े की दुकानें भी हैं, तो अगर आपको अपनी मर्जी का फैब्रिक चाहिए हो तो यहीं से आप कपड़ा उसी वक्त खरीद के मेकिंग के लिए दे सकते हैं। वही डिजाइन है ना जो अभी हमने पीछे देखा है। M&R का ये आर्टिकल आप कितने में रेडी थ्री पीस कितने का देते हैं? ठीक है, वो तो आप उसके रेट के आप कोई भी किसी डिजाइनर का? कौन सा डिजाइनर है? एलान का कितने का? 25,000 में सिर्फ काम है। और अगर फुल ड्रेस चाहिए हो? अगर M&R का कोई और डिजाइन ला के दिखाए वो भी आप रेप्लिकेट कर देते हैं। देखें कैसा लगता है। में सिर्फ ये शर्ट की मेकिंग है। अच्छा, आप अपनी शॉप का कार्ड दिखा दें। रशीद टेलर, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर जिस पे आप लोग आपको ऑर्डर देते हैं। मेरा नंबर देखिए ना, व्हाट्सएप में दे दो। इस नंबर पे कॉल करेंगे तो आपका नाम क्या है? हैदरी भाई। ये जू लोग कपड़ों पे बनवाते हैं आज? हाँ जी, बनवाते हैं तो हम बना रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। जाएं, ये आप कितने में बना रहे हैं? ये आपको 30 में बना दूंगा। 30,000 में ये शर्ट का फ्रंट है जी, सिर्फ आप में बेल होगी और छोटा सा कुपरिंदा आ जाएगा इसमें। ओके, ठीक है, चलें सर। ये 20,000 की मेकिंग में है। क्या प्राइस है? ये सनी सिल्क सेंटर है जहाँ पे 65,000 में रेडी थ्री पीस या सिर्फ काम? रेडी थ्री पीस। ठीक है, ये ऑरेंज किस तरह दे रही है जो सामने लगा हुआ है? 45,000 में थ्री पीस रेडी है। इसकी क्या प्राइस है? 22,000 का सिर्फ काम है। और फुल शर्ट कितने की है? 35,000 में फुल रेडी। ठीक है, 18,000 में पूरा काम हुआ है। और फुल थ्री पीस स्टिच कितने में मिलेगा? 26 तक कार्ड। और अगर व्हाट्सएप पे ऑर्डर प्लेस करें तो बना के बाहर पाकिस्तान से बाहर डिलीवर कर देते हैं? ठीक है। अच्छा, मुझे अपनी शॉप का कार्ड दे दें। कौन सा आपका नंबर है? ये जो लिख के दिया आपने, ये दूसरा भाई का? दोनों व्हाट्सएप हैं और आप ऑर्डर ले लेते हैं दोनों पे। ठीक है, थैंक यू। जैसा भी डिजाइन लेकर आए रेप्लिकेट कर देते हैं, हो जाता है ना। दिस इज प्रिटी।
35,000 में पूरी शर्ट दुपट्टा ट्राउजर। अच्छा ठीक है हाँ, लेकिन ये ज्यादा अच्छी है, ये हारिस शकील का डिजाइन है। ठीक है ये ले, ये जो मेहरून लगा हुआ है ये भी अगर आप फुल रेडी करेंगे 38,000 में फुल रेडी है। ये ऐलान का है, ये सफ्यूज का है, ये वाला, ये जो वेलवेट वाला है, ये सफ्यूज का है। कितने टाइम में बना देते? डेढ़ महीना। और ये नंबर है जिसपे आप व्हाट्सएप पे रिप्लाई करेंगे, राइट? ठीक है। ये 1,50,000 का है, और इसके अलावा आप लोग दुपट्टे पे बॉर्डर वगैरह बनाना है? हाँ बनाना है, ये वाला ऊपर वाला बॉर्डर, हाँ दरमियान में छट्टा दे, छट्टा देने, हाँ। ये कितने का बनाएंगे आप? ये कपड़ा कौन सा लेना है? प्योर चाहिए, प्योर चाहिए। 1,10,000। और अगर प्योर ना हो तो? प्योर अगर ना होगा उसमें यार गजल लगा लें या नेट लगा लें, वो आपको 90,000 में। 15,000 की दे रहे हैं आप, राइट? और साथ वाली भी 20,000 की। यूके में आपका क्या है? ये 0332 वाला नंबर है। 0332 वाला, हाँ ये नंबर। अच्छा यूके में आप डिलीवर करते हैं इस नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट? ठीक है थैंक यू। हाँ ये वाला, ये बना रहे 35 में रेडी, 35 में 3-piece stitched रेडी पूरा। ठीक है कितने की दे रही हो आप पेन? 20 रुपए का। अच्छा रुको मैं लेती हूँ, दोनों दे दो मुझे। चेंज है? चेंज नहीं है मामा आपके पास है? और ये भी ग्रीन बहुत प्यारा है। ये 45,000 में कपड़े समेत 3-piece सूट रेडी है। अच्छा आप अभी तक वेट करियो, ये लो ये ले लो, मेरे पास अभी चेंज नहीं है। ठीक है ये दे दो, थैंक यू। अच्छी बात है मेहनत से काम किया करो, ठीक है शाबाश। ये जो ब्राइडल लहंगे हैं इनकी क्या प्राइस है? $250 वाला कौन सा, $180 वाला कौन सा? ये जो ऊपर लिखा हुआ है इस पे व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? दोनों पे आप ऑर्डर ले लेते हैं, और पाकिस्तान से बाहर से अगर व्हाट्सएप पे ही ऑर्डर प्लेस करें तो डिलीवर करा देते हैं। ठीक है थैंक यू। ये आपका व्हाट्सएप नंबर है? आपका नाम क्या है? यासिर जावेद। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे ऑर्डर लेके डिलीवर कर देते हैं। ये दुपट्टा बहुत खूबसूरत है, वेरी प्रिटी।
अच्छा, यहाँ पे तो मैंने आपको पूरी डायरेक्टरी दे दी है हर शॉप के, जितने अच्छे आर्टिकल्स थे वो सारे दिखा के उनकी प्राइसेस भी आपको दिखा चुकी हूँ। इसकी बैक साइड पे एक पूरी मार्केट है, ये जो गली थी ना जहाँ पे सारे जरी का काम करते हैं और सारी एम्बेलिशमेंट्स होती हैं, यहाँ से बाहर निकलते ही पीछे वो सारी शॉप्स हैं जहाँ पे लेसेस से लेकर हर चीज, हर तरह की एक्सेसरीज मिलती हैं, तो मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ। चारों तरफ जो है वो लेसों की ही शॉप्स हैं जहाँ देखें, राइट, ये उसी गली का ना दूसरा एंड है। चलें जरा एक दुकान पे जाके देखते हैं कि रेट्स क्या है, मुनासिब है या नहीं। पर यार्ड से स्टार्ट हो रही है 2500 पर यार्ड, तो बहुत एक्सपेंसिव है। नहीं नहीं, बहुत एक्सपेंसिव है। आप काम वाले को जाएं ना जरा बताएं, सो कहें कि जी गला दामन बाजू बनाना है। मैं काम वाले से भी होकर आई हूं और मैं ऐसी लेसें भी खरीदती रहती हूं, मुझे अंदाजा है। और है आप पूछते नहीं और कुछ? ये किस तरह दे रहे हैं एम्ब्रॉयडर्ड पैच? ये वाला आपको 650 पर यार्ड। 650 पर यार्ड, बहुत महंगा है। ये सिंपल डाई के क्या पैसे लेते हैं? दुपट्टा 300 रुपए। अच्छा, यहाँ पे डाइंग के साथ साथ पीको और इवन टेलर्स की भी काफी शॉप्स हैं, तो चलिए एक शॉप पर जाके पूछते हैं कि रेट क्या चल रहा है। इट्स जस्ट फॉर एन आइडिया कि यहाँ पे स्टिचिंग का रेट क्या है। मैं यहाँ से नहीं सिलवाती, सो आई एम नॉट रिकमेंडिंग दिस शॉप। एक्चुअली काफी सारे ओवरसीज जब मुझे कॉन्टेक्ट करते हैं तो दे नीड एन आइडिया कि स्टिचिंग का एक्चुअल रेट क्या है लोकल मार्केट में। अंकल, आप सूट की सिलाई के क्या पैसे लेते हैं? सूट के मेरी 1500 रुपए। 1500? और अगर बीच में काम भी हुआ है और डिटेलिंग है तो फिर? देखो, जो लाइनिंग वाला सूट होता है ना, एक तो लाइनिंग वाला होता है जैसे ये बना हुआ है, ठीक है। इसके हम अगर मिसाल के तौर पे अगर करेंगे ना आप, अगर लाइनिंग शाइनिंग दुपट्टा शुपट्टा सारा के साथ होगा, ठीक है, हम 2500। ठीक है, थैंक यू जी। और ये जो लहंगा आपने सिया हुआ सामने, क्या है ये, कितने का है? सिलाई तो आपकी सही लग रही है। आप कितने अरसे से यहाँ पर हैं? तो कितना टाइम हुआ? 6-7 साल से आपकी दुकान यहीं पर और आप सिलाई कर रहे हैं। और ये लहंगे की क्या प्राइस है? इसके बाजी हम लेते हैं 1500। 1500 इस लहंगे की। और अगर कैन कैन के साथ हो फिर? कैन कैन के साथ बाजी फिर 2500। 2500, ठीक है। 3232 8537984, इस पे लोग आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। फजल साहब जी, वेल, जब यहाँ आई थी तो शाम थी और अब रात हो चुकी है, काफी भूख लग रही है, तो चल के अब कुछ खा लेते हैं। अभी हम जा रहे हैं तहजीब बेकर्स, जो कि सदर में है। ये है जी फूड स्ट्रीट, सेवर फूड्स जाती है अगर मेरे साथ मामा ना होती, बट हम तहजीब आए हैं क्योंकि ये पूरी फूड स्ट्रीट है आगे और हम यहाँ बाहर बैठे। इस तरफ की मुझे सिग्निफिकेंस नहीं पता, बट आई रियली लाइक इट। जब यहाँ दोपहर के टाइम आते हैं ना, तो ये बहुत अच्छा लगता है। बाय द वे, जिनको नहीं पता उनको जरूर बता दूं कि तहजीब बेकर्स अब होम डिलीवरी करता है रात को 1 बजे तक। वेल, जब मैंने ये कमर्शियल वाली तहजीब में ये नोटिस देखा था तो आई वाज हैप्पीएस्ट टू नो इट, क्योंकि हमें अक्सर तहजीब जाना पड़ता था ऑल द वे, क्योंकि इनकी डिलीवरी नहीं थी ना फूड पांडा पे था, राइट। ये मेरे फेवरेट बिस्किट्स हैं, जब मुझे जाना होता है ये लेती हूं चॉकलेट। लेकिन पहले तहजीब फिर भी अफोर्डेबल थी, अब ये काफी एक्सपेंसिव हो गई है, मतलब टोटली आउट ऑफ रेंज। आज असल में मैंने शॉपिंग नहीं की ना, आपको सिर्फ चीजें दिखाई हैं, इसलिए मेरे पास बजट था, तो हमने कहा चलो खाना जो है वो थोड़ा हाइजेनिक खा लेते हैं, क्योंकि मामा साथ थी तो वो डाइट कॉन्शियस हैं, इसलिए हमने रिस्क नहीं लिया कहीं और जाने का। लेमन एंड चीज केक मैंने अभी ट्राई नहीं किया, आई विल ट्राई इट सून। अच्छा, इनका सूप भी आ गया विंटर्स में, और आई थिंक हम अनार का जूस लेते हैं। एक्चुअली जब भी अनार का मौसम होता है आई प्रेफर दिस जूस, क्योंकि इट्स रिच इन एंटी ऑक्सीडेंट्स और इट प्रोवाइड्स विटामिन सी विच इज गुड फॉर योर स्किन, फॉर योर हेल्थ, एंड ऑल्सो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर योर हार्ट हेल्थ, राइट।
बाय द वे ये ट्रेन का फाटक है, इसी रोड पे अंदर जाके जो है कामरान मार्केट थी। तो वापसी पे मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ, सामने आपको नजर आ रहा होगा ये मेट्रो का स्टॉप है, तो आई थिंक ये मरीड चौक वाला स्टॉप है, आई एम नॉट सो श्योर, बट अगर आप मेट्रो पे यहाँ तक आते हैं तो भी आप यहाँ से इजिली अंदर जा सकते हैं। और अब मैं यहाँ की एक बहुत मशहूर जगह पर आपको लेके जाने वाली हूँ। वैसे तो मीठा जो है वो यूजुअली खुशी के मौकों पर हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, अपने घर में लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही विंटर्स आता है ना, सर्दियाँ आती हैं, तो दूध जलेबी का जो है वो अलग ही मज़ा है। और यहाँ पे गराटू जलेबी इतनी फेमस है, जहाँ दूर दराज इलाकों से लाइक दूसरे शहरों तक से लोग आते हैं स्पेशली ये ट्राई करने। तो चलिए साथ चल के देखते हैं कि जलेबी का क्या रेट चल रहा है एंड वाई आर दे सो फेमस। अच्छा, जब आप मरी रोड पे रुके तो आपको इतने सारे गराटू जलेबी की शॉप्स नज़र आएंगी कि यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। मैंने बिल्कुल फ्रेस्को स्वीट्स के सामने गाड़ी पार्क की है और जैसे ही आगे जाना शुरू हुई तो एक के बाद, दो के बाद, तीसरे के बाद हर शॉप का नाम ही गराटू जलेबी है। तो अगर आपको यहाँ समझ ना आए कि एक्चुअल शॉप कौन सी है, तो आप यहाँ किसी से भी पूछेंगे, वो आपको बता सकता है कि जिस दुकान पर लाइन लगी हुई होगी। यस, गराटू जलेबी जो असल है उस पर हर वक्त लाइन लगी हुई होती है, रश इतना होता है, जो शॉप आप ऐसी स्पॉट करें जिस पे लाइन लगी हुई आपको नजर आ रही हो, तो दैट इज द रियल वन। तो मुझे अभी सिर्फ आधा किलो चाहिए जलेबी, बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, तो 300 रुपए की मैं लेने लगी हूँ। और लाइन में असल में वेट करना पड़ा, वरना यूजुअली क्या होता है, आप जिस भी शॉप पे जाते हैं वो कहते हैं लेडीज़ फर्स्ट, आप प्लीज़ आके ले जाएं, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। लेकिन अभी मैं ये सोच ही रही थी कि उन्होंने कहा प्लीज़ यहाँ राइट साइड पर आ जाएं, हम आपको पहले दे देते हैं। एंड फाइनली टुक 5 मोर मिनट्स और जलेबी तो हमें मिली थी। यहाँ पे इतनी सारी गराटो जलेबी है, कैसे पता चलता है असली कौन सी है? गराटो एक ही है। आप लोग सबसे पुराने हैं यहाँ पे, 40 साल से। फाइनली लाइन में लगने के बाद आई गॉट द जलेबी। और यहाँ पे पास ही ये तो सिर्फ जलेबी दे रहे थे, यहाँ पे दूध जलेबी भी मिलती है, तो उसकी कीमत भी पूछ लेते हैं कि यहाँ पे बैठ के अगर आपने खानी हो तो कितने की मिलती है। 150 का हाफ बाउल और 250 का फुल बाउल। अच्छा, वैसे मेरा ये ख्याल था कि जितनी भी कॉपीज हैं असल के अलावा, जितनी गराटू जलेबी हैं, उनका रेट कम होगा। मेरे पूछने पर इन्होंने बताया कि इनके उस्ताद का और उनका सेम ही रेट है। तो जब रेट भी सेम है, अगर उतने ही पैसे देने हैं तो बंदा ओरिजिनल दी गराटू से क्यों ना ले, राइट? अच्छा, अभी मैं इस तश्वीश में ही थी कि इन्होंने मुझे अपनी जलेबी ऑफर की, तो अब देखते हैं कि दोनों के टेस्ट में कितना फर्क है। वैसे इनकी जलेबी भी बहुत अच्छी थी। अच्छा, ये वो है जो उनके उस्ताद से लिए है और ये है जो उन्होंने अभी मुझे दी है। तो यस, इतना ज़्यादा डिफरेंस ही है बस। यस, ये थोड़ी क्रिस्पी ज़्यादा है और इसका मीठा भी जो है वो थोड़ा सा मुनासिब है। यहाँ से वापसी पर चांदनी चौक पर मैंने इलाफ और साथ जो मोहसिन सन्स हैं, खान वैरायटी है, उन पर लहंगे भी चेक किए। यकीन करें, जो लहंगा पसंद आता है ना, जो दिल को भाता है, राइट, वो 3.5 लाख से कम तो है ही नहीं कोई अच्छा लहंगा। एंड वन मोर थिंग, आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम मोहसिन सन्स, लेकिन मोहसिन सन्स पे तो एक भी काम का लाइक बहुत फजूल वैरायटी थी। मैं एक्सपेक्ट बहुत अच्छा करी, क्योंकि एक टाइम पे मोहसिन सन्स का वो नाम था। चलें जी, दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय।